बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर पूज्य भदंत चंद्रमणि महाथेरो से बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने समूचे विश्व के समुदायों को एक नई दिशा दी और समूचे विश्व के लोगों को बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। भारतीय बौद्धों के साथ साथ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक नई दिशा की तरफ परिवर्तित हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ये नाम पूरे विश्व में क्रांति प्रणेता, क्रांति सूर्य, युगंधर, मुक नायक इन विशेषणों के साथ आदर पूर्वक लिया जाता है, जिन्हें लोगों ने अपने पिता से भी बढ़कर बाबा साहब का रुतबा दिया है। विश्व भर में दलित, पीड़ित, शोषित जीवन में बाबा साहब का स्थान पूजनीय है और इसलिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को जनता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहती है और उनके द्वारा दिए गए विचारों पर चलने का यथायोग्य प्रयास भी करती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक गांव महू में हुआ। पिता का नाम रामजी सपकार और माता का नाम भीमाबाई। भीमराव का जन्म निचली जातियों में से एक महार जातियों में हुआ और अछूत नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। अछूत यानी जिन्हें छुआ नहीं जाता, जिन्हें छूने से पाप लगता है, ऐसी धारणाएं ब्राह्मणी समाज में फैलाई गई थी, जिन धारणाओं को हिंदू समाज भी मानता था। भीमराव के पिता रामजी सकपाल अंग्रेजी फौज में कार्यरत थे और उनमें अनुशासनता बहुत थी। यह अनुशासनता हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में भी दिखाई देती है। बाबा साहब अंबेडकर को जातीयता के कलंक ने बचपन में ही प्रभावित करना शुरू कर दिया था। फौज से निवृत्त होने के बाद रामजी सकपाल सातारा में रहने लगे। भीमराव की शिक्षा के लिए भीमराव का प्रवेश एक स्कूल में रामजी ने करवा दिया, मगर स्कूली जीवन से ही जातीयता, धर्मांधता उन्हें प्रताड़ित किया करती थी। उनका स्पर्श उच्च वर्णीय विद्यार्थियों को ना हो, उनकी किताबें और उनके खाने के डब्बों को ना हो, इसलिए पाठशाला के शिक्षक भीमराव को कक्षा के बाहर ही बिठाते थे। स्कूल की खिड़की से, दरवाजे से स्कूल के बाहर बैठकर भीमराव अंबेडकर जी सतत पूरी सजगता के साथ विद्यार्जन करते रहे। सन 1908 में भीमराव अंबेडकर ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने में वे महार जाति के एकमात्र विद्यार्थी थे। मैट्रिक की बाद की पढ़ाई के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में 1912 में दाखिला किया। अर्थशास्त्र और राजशास्त्र में स्नातक पदवी बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इसके उपरांत गुजरात बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इनके कार्यालय में उन्होंने नौकरी भी की। 2 फरवरी 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता रामजी सकपाल को खो दिया। सुबेदार रामजी सकपाल का निधन हो गया और इसी वर्ष महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान की और उच्च शिक्षा विभूषित होने के लिए भीमराव अंबेडकर अमेरिका
चले गए। 1913 में ही उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी के साथ तीव्र गति से उन्होंने पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बारेट लॉ इतनी डिग्रियां प्राप्त कर भारत के इतिहास में न भूतो न भविष्यति ऐसा इतिहास रच दिया। छुआछूत का आडंबर उन्हें हमेशा सताता रहा। अपने करोड़ों भाइयों को देख डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर बहुत दुखी हो जाते थे। वे हमेशा सोचते थे कि इनका उत्थान करना चाहिए। वे हमेशा कहते, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ उस समाज का उत्थान करना मेरा परम कर्तव्य है और मैं मरते दम तक इसका प्रयास करूंगा। 1927 में छुआछूत, अमानवीयता और धर्मांधता के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जंग शुरू हो गई और 1927 में चौदार तालाब का सत्याग्रह महाड़ के चौदार तालाब का पानी छूने के साथ चल पड़ा। इसी आंदोलन के साथ स्वाभिमान अभिमान की लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद कालाराम मंदिर का प्रवेश सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया। आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता आदि पाक्षिक भी चलाए और इन पाक्षिकों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य उन्होंने किया। दलितों, पीड़ितों, महिलाओं के अधिकारों को जला देने वाली मनस्मृति का दहन बाबा साहब ने किया और इसी आग से क्रांति की मशालें जलती चली गई, नव चेतना का निर्माण हुआ। स्वतंत्र मजदूर पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, समता सैनिक दल, इन संगठनों की नींव भी उन्होंने इसी समय रखी। इन सभी संगठनों के पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य काफी व्यापक था। समाज को राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुशासन मिले, इसी उद्देश्य से इन संगठनों का निर्माण किया गया। महात्मा फुले का मूल मंत्र, बिना विद्या के प्रगति नहीं हो सकती, ये बाबा साहब जानते थे। इसलिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की और दलित शोषित पीड़ितों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोले। अब ये समाज बाबा साहब की नव चेतना को लेकर आगे बढ़ रहा था। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्तर पर वो आगे बढ़ रहा था और इन सब के आधार पर आत्मिक बल भी प्राप्त कर रहा था। गली गली, गांव गांव, शहर शहर क्रांति का बिगुल बज रहा था। चेतना का सूरज पूरी तरह उग चुका था और इसी माहौल में बाबा साहब ने धर्मांतर करने की ठानी और मानो विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक क्रांति का आगाज हुआ। 14 अक्टूबर 1956 का वह स्वर्णिम दिन, सुबह का सूरज जैसे जैसे अपनी लालिमा के साथ उठ रहा था, वैसे ही सारा आसमान, आकाश पाताल एक करो, बुद्ध धम्म का स्वीकार करो, इस नारे की गूंज से गूंज उठा था। देश के हर गांव से एक ही आवाज आ रही थी, चलो नागपुर, चलो नागपुर, चलो दीक्षा भूमि, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। सारे रास्ते इंसानों से भर गए थे। श्वेत वस्त्र धारण किए महिला, पुरुष, अनुयायी अपने छोटे छोटे अंकुरों के साथ, अपने बच्चों के साथ दीक्षा भूमि की ओर चल पड़े थे। बस सबको इंतजार था नया जन्म प्राप्त करने का। जिस तरह नदियां चारों दिशाओं से आकर सागर में विलीन हो जाती थी, उसी तरह
चारों तरफ से रास्ते दीक्षाभूमि की ओर चल पड़े थे और सब लोगों की भीड़ में सने हुए थे। मौका था धर्म परिवर्तन का, मौका था धर्मांतर का, धम्म दीक्षा का, समूचे विश्व को शांति का मार्ग देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलने का ये समय आ गया था। बाबा साहब के साथ पंचशील ग्रहण कर 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर पुराना हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया गया। मानो अनंत समुदाय को नया जीवन मिल गया। प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, न्याय, बंधुता, समानता, विश्व बंधुता के नए द्वार अब खुल गए थे। बस उन द्वारों से गुजरकर प्रगति की ओर चलना ही था और बाबा साहब के साथ साथ समाज प्रगति पथ पर चल पड़ा। नागपुर के बाद चंद्रपुर और चंद्रपुर के बाद भारत के कोने कोने में धम्म दीक्षाएं चलती रही, लोग धम्म सागर में विलीन होते रहे। न्याय, समता, बंधुता के लिए, भारत को अखंड रखने के लिए, आम आदमी के उत्थान के लिए बाबा साहब ने भारत का संविधान रचा। ऐसा संविधान जो हर एक भारतीय नागरिक की आचार संहिता है, जो तथागत बुद्ध के समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय इन तत्वों से प्रेरित है।